Good evening, my dear juniors. I hope you all are fine with the blessings of God. Myself, Priyanka Sarkar, and in this video, I will be discussing all the questions of chapter number 13 of class 12. So let's begin with the figure 13.1. It is showing us the biome distribution with respect to the annual temperature and precipitation. ठीक है? तो ये यहाँ पे हमें y-axis में क्या मिल रहा है? Mean annual temperature मिल रहा है. And यहाँ पे हमें x-axis में क्या मिल रहा है? मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन मिल रहा है और यहाँ पे मीन एनुअल टेम्परेचर मिल रहा है. सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है लेबलिंग कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस दिखाए गए हैं उन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में कौन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे ये वाला रिप्रेजेंट करेगा किसको? डेजर्ट को. फिर इसके बाद में जो है दैट विल रिप्रेजेंट ग्रासलैंड. एंड देन आप देखो इस तरह से हॉरिजॉन्टली थ्री आर अवेलेबल. एक जो सबसे आगे तक जा रहा है यानी जिसकी प्रेसिपिटेशन सबसे ज़्यादा है ना जिसकी प्रेसिपिटेशन सबसे ज़्यादा है वो क्या है? ट्रॉपिकल. वो इंडिकेट किसको कर रहा है? ट्रॉपिकल को. एंड उसके बाद में जिसका प्रेसिपिटेशन है दैट इज यहाँ तक इट इज़ रिप्रेजेंटिंग कॉनिफेरस फॉरेस्ट. और सबसे कम जिसकी प्रेसिपिटेशन रिप्रेजेंट हो रही है, सबसे कम का मतलब सब में कम नहीं, सिर्फ इन तीन का हम बोल रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये तीन एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल हमें दिख रहा है ना, तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो होगा प्रेसिपिटेशन का सबसे ज़्यादा होगा वो हो जाएगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. उससे थोड़ा कम जिसका हो जाएगा वो हो जाएगा कॉनिफेरस फॉरेस्ट. और उससे भी कम जिसका हो जाएगा वो हो जाएगा टेम्परेट फॉरेस्ट. सो इन केस हम इस प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे इस तीन को याद रख लेंगे, इससे हमारे दो फायदे हो जाएंगे. एक तो हमारा रिप्रेजेंटेशन भी हमें याद हो जाएगा एंड दूसरा हमें प्रेसिपिटेशन भी याद हो जाएगा. कई बार क्वेश्चन में एग्जैक्टली नहीं भी तो रेंज में भी प्रेसिपिटेशन भी पूछ लेता है. तो इसमें हमें दो चीज़ें याद हो जाएंगी, एक तो उसका रिप्रेजेंटेशन और दूसरा उसका प्रेसिपिटेशन कि हाँ सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल में था, उसके बाद में कॉनिफेरस में था, उसके बाद में टेम्परेट में था. और स्टार्टिंग की अगर हम बात करेंगे बाकी के दोनों की, डेजर्ट और ग्रासलैंड की, तो डेजर्ट और ग्रासलैंड में हमें प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग अगर हम नहीं भी देखें तो हम ग्रासलैंड को ग्रासलैंड को हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं. आप देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे शो हो रही है इसकी एंड देन डेजर्ट की. और तो उस प्रकार से भी इसको इन दोनों को याद रख लेंगे. एंड फाइनली जो सबसे हटके है, जो ना तो वर्टिकली पूरी तरह से वर्टिकल है ना तो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल है, वो है ये वाला. ये आई डोंट नो ये तरीका नहीं है इस, लेकिन सिर्फ याद हो सके इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ. हमें मतलब है सिर्फ याद से, हमारे एग्जाम में जब आए तो हमें टिक करके आना है एंड उसको पहचानना है कि कौन क्या है, तो उससे बस मतलब है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हाँ ये प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, सो दैट एटलीस्ट उस चीज़ से हम समझ सकें कि हाँ किसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है. तो उस तरह से ये वाला जो है दैट इज़ आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा. सो विल मूव टू द नेक्स्ट फिगर. फर्स्ट वाला फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को. दूसरा वाला डेसिडियस फॉरेस्ट को. थर्ड इज डेजर्ट एंड लास्ट वन इज सी कोस्ट. दिस इज अ फिगर 13.3 विच इज शोइंग द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्मिक रिस्पॉन्सेज. एंड अब देखो यहाँ पे हमें दिखा रहा है इंटरनल लेवल, यहाँ पे हमें दिखा रहा है एक्सटर्नल लेवल. अगर वो सीधा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजन, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कन्फॉर्मर्स. मतलब दे कैन नॉट कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट नहीं रख सकते हैं. दे आर कन्फर्मर्स जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट नहीं रख सकते हैं. एंड क्या होते हैं वो? एक्टोथर्म्स होते हैं, पोइक्योथर्म्स होते हैं. उनका जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजन. दूसरा आता है हमारा रेगुलेटर, जिसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के एकदम पैरेलल वाला ग्राफ होगा, वो हो जाएगा रेगुलेटर. उसका काम क्या है?
रेगुलेटर का काम है कि इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट इसकी कांस्टेंट होती है। इसकी इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी होम्योथर्म्स होते हैं, एंडोथर्म्स होते हैं। एंड तीसरा वाला हमारा क्या है? पार्शियल रेगुलेटर। तीसरा ये वाला जो ग्राफ है, जो स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन गया एंड देन उसके बाद में ये एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो गया, यानी आधी दूर तक वो स्ट्रेट लाइन गया, उसके बाद में वो एक्स एक्सिस से पैरेलल हो गया, दैट इज पार्शियल रेगुलेटर्स। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन था वो तो कन्फर्मर, जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकता। दूसरा जो कौन जो पैरेलल था एक्स एक्सिस का, वो था रेगुलेटर, जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट जिसकी कांस्टेंट रहती है वो वार्म ब्लडेड होता है, यानी होम्योथर्म्स होते हैं। एंड तीसरा जो कि पार्शियल रेगुलेटर है, जो पहले तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, उसके बाद में वो एक्स एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट फिगर एंड दैट इज 13.4 व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग एज पिरामिड फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन, द फर्स्ट वन है ना। और तीन चीज की यहाँ पे हमें रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहला क्या है? प्री रिप्रोडक्टिव, देन रिप्रोडक्टिव एंड देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव। केसीईटी 2020 का ये क्वेश्चन भी था, यहाँ पे पूछा भी गया था फिगर देकर के कि कौन एक्सपेंडिंग है, कौन स्टेबल है एंड कौन डिक्लाइनिंग है। सो अगर दिखे कि प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा है, देन आपका रिप्रोडक्टिव उससे थोड़ा सा कम एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव उससे भी कम, तो इट विल रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंडिंग ग्राफ, इट विल रिप्रेजेंट एक्सपेंडिंग। क्योंकि वो देखो अगर हम देखें प्री रिप्रोडक्टिव तो वो इससे रिप्रोडक्टिव से ज़्यादा है, अगर हम देखें रिप्रोडक्टिव तो पोस्ट से ज़्यादा है, तो इस वजह से एक्सपेंडिंग ग्राफ। दूसरा है स्टेबल ग्राफ। स्टेबल ग्राफ यानी यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव, देखो यहाँ पे दोनों यहाँ पे सेम हमें दिख रहे हैं, दोनों यहाँ पे सेम दिख गए हैं, उसके बाद में पोस्ट रिप्रोडक्टिव हमें घटता हुआ दिख रहा है। सो हेंस इट इज़ अ स्टेबल, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ स्टेबल ग्राफ। एंड द थर्ड वन जहाँ पे हमें दिख रहा है कि रिप्रोडक्टिव तो ज़्यादा है लेकिन प्री रिप्रोडक्टिव भी कम है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी कम है, यानी ये हो गया हमारा डिक्लाइन तो ग्राफ, विच इज शोइंग डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। इन दिस फिगर वी विल गेट इक्वेशन, दैट इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इक्वेशन इज दिस इक्वेशन जहाँ पर दिमाग में ये एग्जाम में जब ऑप्शन बैंक के क्वेश्चन आता है इसका, तो एनटी बाकी सारी चीज़ें लिख देता है, कई बार किसी ऑप्शन में प्लस छूटा हुआ रहेगा, किसी ऑप्शन में प्लस दिया हुआ रहेगा, और इसी की वजह से गलती हो जाएगा, हम इस प्लस को ध्यान देंगे ही नहीं। कुछ कुछ ऑप्शंस में मिलेगा एग्जैक्ट यही वाला, और कुछ कुछ ऑप्शंस में धोखा करने के लिए क्या करेगा, एनटी डायरेक्ट लिख देगा बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। ऑप्शंस में ऐसे आते हैं एंड जब तक यहाँ पे प्लस ना हो ये जो इक्वेशन है ये फॉल्स, जब तक यहाँ पे प्लस नहीं होगा इक्वेशन जो है फॉल्स कंसिडर होगा। इस वजह से वही ऑप्शन सही होगा जहाँ पर एन टी प्लस वन इक्वल टू एन टी प्लस बर्थ रेट और इंडिविजुअल जो इमिग्रेशन किया उसका समीशन एंड देन माइनस विथ डेथ रेट प्लस इमाइग्रेशन। तो ये हो गया प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ग्राफ, जहाँ पर अगर नेटिलिटी हुआ यानी बर्थ हुआ, पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एडिशन हो जाएगा, मोर्टिलिटी डेथ हो रहा है तो वो पॉपुलेशन से माइनस हो जाएगा, इमाइग्रेशन यानी माइग्रेट दूसरे जगह से करके हमारे जगह को आ गया वो, तो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट यानी प्लस साइन प्लस हो जाएगा। अगर हमारे जगह से दूसरे किसी जगह पे माइग्रेट करके चला गया, इमाइग्रेशन मतलब वो आउट माइग्रेशन यानी इस लोकेलिटी से कहीं और चला गया, तो हमारे जो लोकेलिटी है वहाँ पे तो वो घट रहा है वो स्पीसीज, क्योंकि वो यहाँ से कहीं और चला गया, इस वजह से माइनस। Now moving toward the next figure, that is 13.6 figure, which is showing a population growth curve where A responses are not limiting the growth, plot is exponential. B क्या response कर रहा है, limiting the growth and plot is logistic, यानी कि A is the carrying capacity। यहाँ पर बताया गया है कहाँ पे A है, एक देखो एक तो ग्राफ ये है जो इधर जा रहा है A, एक है B, सो A ग्राफ यहाँ पे लिमिटिंग द ग्रोथ को मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आर नॉट रिस्पॉन्सिंग लिमिटिंग द ग्रोथ। एंड द सेकेंड वन रिस्पॉन्सेस आर लिमिटिंग द ग्रोथ, तो सेकेंड वन में दिख रहा है कि ग्रोथ लिमिटेड है, फर्स्ट वन दिख रहा है ग्रोथ लिमिटेड नहीं है।
क्योंकि अनलिमिटेड ग्रोथ हो सकता है। देखो ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है, तो ऊपर जाने का कोई लिमिट है? ये तो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। कोई लिमिट है इसका? नहीं है इसका कोई लिमिट। हेंस इट इज लिमिट, इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी लिमिटेशन, इसकी कोई लिमिट नहीं है इस ग्राफ की। वही अगर हम देखें सेकेंड वाला का, तो ये इधर कॉन्स्टेंट जा रहा है, इधर थोड़ा पढ़ा एंड देन इट इज़ गोइंग कॉन्स्टेंट, एंड देन इट इज़ गोइंग कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स इसका ग्रोथ लिमिटेड है, ये रुकना है इसको, कहीं इसको जाकर रुकना है। सो ये लिमिटिंग है कि यहाँ पे क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है। और जो जो ग्राफ सीधे ऊपर जा रहा है वो वाला ग्राफ जो इक्वेशन होगा, इट विल बी dn by dt इज इक्वल टू rn, dn by dt इज इक्वल टू rn, इट विल रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एंड दूसरा वाला जो ग्राफ है जो जो लिमिटेड ग्रोथ शो कर रहा है, उसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी dn by dt इज इक्वल टू rn k माइनस n बाई k, जहाँ पे k यहाँ पे पिक्चर में अगर आया है तो k क्या है, इट इज़ अ कैरिंग कैपेसिटी। एंड इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, इस ग्राफ को हम बोलेंगे लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व, लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व। लेट्स डिस्कस दिस चार्ट व्हिच इज शोइंग अस अ पॉपुलेशन इंटरैक्शन इन द टेबल 13.1। द फर्स्ट वन, द फर्स्ट फर्स्ट स्पीसीज अगर प्लस, सेकेंड वन इज ऑल्सो प्लस, मीन्स म्यूचुअलिज्म, मीन्स म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों को फायदा। फर्स्ट नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव, यानी कॉम्पिटिशन, यानी दोनों को नुकसान। प्लस माइनस, यानी एक को फायदा एक को नुकसान, दैट इज द प्रीडेशन। ऑल्सो पैरासिटिज्म, जहाँ पे एक को फायदा होगा दूसरे को नुकसान। फिर है प्लस जीरो माइनस जीरो। प्लस जीरो मतलब एक को ना तो फायदा ना तो नुकसान, और एक को फायदा, दैट इज द कॉमन सिलिज्म। और माइनस जीरो का मतलब है एक को ना तो फायदा ना तो नुकसान, और एक को नुकसान, दैट इज द एवन सिलिज्म। इसका एग्जांपल राइजोबियम म्यूचुअलिज्म का। और जो सेकंड वन है, लास्ट वन है एवेंसिलिज्म, उसका एग्जांपल एंटीबायोटिक। नाउ विल डिस्कस 13.7 नंबर फिगर। 13.7 नंबर फिगर इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट वन, फिग फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय द वैप्स, फिग फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय द वैप्स, दिख रहा है। एंड सेकेंड वाला, वैप्स लेइंग एग इन द फिग फ्रूट। ये वाला फिगर क्या बता रहा है, ये वाला फिगर बता रहा है अ बी पॉलिनेटर एंड एन ऑर्चिड फ्लावर। बी और ऑर्चिड फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन शो किया है, जहाँ पर होता है जो पॉलिनेशन रियल नहीं है, इट रिप्रेजेंट सूडो कॉपुलेशन, जहाँ पे ये जो फ्लावर है, ये ऑर्चिड का फ्लावर है, ये इसकी अपीयरेंस, इसका स्मेल जो बी की फीमेल है उसकी जैसा अपीयर होता है, प्रतीत होता है, वो होता नहीं है, वो बी की फीमेल होती नहीं है, बट उसका वो उसकी जो अपीयरेंस है, उसका जो स्मेल है, वो एकदम बी के फीमेल की जैसी ही है। एंड जैसे ही वो बी वहाँ पे आता है, तो उसको लगता है कि वो उसके जो प्रजाति की फीमेल है, क्योंकि उसको वही लुक नज़र आता है, उसको वो स्मेल भी मिलता है उस फ्लावर से। सो वो उसके साथ में सूडो कॉपुलेशन कर लेता है, इसके थ्रू फिर वो इसके थ्रू यहाँ पे पॉलिनेशन होता है। एंड दिस इज वॉट इज शोइंग इन द फिगर 13.8। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट डायग्राम ऑफ चैप्टर 14 इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।